student, how are you? All are fine? Okay. Now you have to learn every day ES. Because ES is the lengthy subject and 25 lesson is there. So every day you have to learn the ES. Okay. Now we are going to start our chapter number 19. Let us eat together. Now children, here heading is let us eat together in the textbook. It is the printing mistake. Gather spelling T-O-G-E-T-H-O-R. ऐसा लिखा है ना, तो E-R कर देना, ये printing mistake है together के spelling में. Okay? Shall we start now? Right. Okay. Let us eat together. कब आप एक साथ में खाना खाते हो? Guess anyone? Yes. When some festivals is there, some birthday party is there, some occasion is there. That time we have to eat together, right? So, shall we start our lesson? Now the school reopened today after the vacation. After the vacation, school reopened. अभी हमारी school तो खुली नहीं है, लेकिन थोड़े time में हमारी school भी जरूर खुल जाएगी. The children talk about how they had fun their holidays and all are talking how the they fun in the holidays. मीना, why did you put मेहंदी in your house? प्लान. मीना नाम की लड़की ने अपने हाथ में मेहंदी लगाई है. तो एक जो स्टूडेंट है वो पूछती है कि क्यों हाथ में मेहंदी लगाई है. आरती, बिकॉज ऑफ माय अंकल वेडिंग. मीना पूछती है आरती को कि तूने हाथ में मेहंदी क्यों लगाई है. तो आरती रिप्लाई देती है कि मेरे अंकल की शादी थी. मीना, ओ यू माइट हैव हैड अ लॉट ऑफ फन देयर. और तूने बहुत अच्छे से मजा की होगी. आरती, यस आई एंजॉयड अ लॉट ईटिंग टुगेदर ऑल्सो. बहुत मजा आई और सबने साथ में मिल के खाना खाया. रेहाना, शैल वी ईट टुगेदर इन क्लास. क्या हम क्लास में भी एक साथ में खाना खाए, हम नाश्ता करें. डेविड, वाओ इट विल बी फन, लेट अस डू दैट. अरे बहुत मजा आएगा, चलो हम करते हैं. ये लेसन में हम साथ में खाना खाएंगे, लेकिन अभी कोरोना है तो हम साथ में खाना खाएंगे नहीं. कोरोना चला जाएगा उसके बाद हम क्लास में एक साथ में खाना खाएंगे, है ना. अभी कोरोना में एक साथ में खाना खाना नहीं है, लेकिन हमारा लेसन है इसीलिए ये लोग साथ में खाना खा रहे हैं. ऑल हैव डिसाइड टू अरेंज अ पार्टी इन द क्लास. और सबने क्लास में पार्टी अरेंज करी. एवरीवन स्टार्टेड टेलिंग व्हाट दे डिड ब्रिंग फ्रॉम द होम. और सब लोग क्या क्या लंच में लाए थे उन्होंने बोलना शुरू किया. ऑन संडे ऑल ब्रॉट द थिंग्स एंड एंजॉयड द पार्टी. और संडे के दिन सबने अलग अलग चीज ला के पार्टी शुरू की. अ वेराइटी ऑफ डिशेज वेयर देयर एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द वेराइटीज डिशेज इन द लंच बॉक्स. All played, sang and danced together and all are dancing and playing. Now celebrating Uttarayan. Now it is the festival Uttarayan. How we, everyone knows how we celebrate the Uttarayan, but in lesson also given how the Uttarayan is celebrated. Pinky woke up early in the morning. She ran to all her friends Sejal, Ayush, Tanvir, Fatima and Iqbal to their houses. पिंकी जल्दी उठ जाती है और उसने दौड़ के अपने जो सारे फ्रेंड्स है उसको घर पे बुलाया है. सेजल, आयुष, तनवीर, फातिमा, इकबाल सबको घर पे इनवाइट किया है. टुडे इज द उत्तरायण, एवरीवन वाज सो हैप्पी. आज उत्तरायण का दिन है और सब बहुत ही खुश है. दे हैव डन स्पेशल प्रिपरेशन टू सेलिब्रेट उत्तरायण. एंड उत्तरायण के लिए वो लोग स्पेशल प्रिपरेशन कर रहे थे. व्हाट टाइप ऑफ द प्रिपरेशन दे आर डूइंग, हाउ विल यू दे सेलिब्रेट उत्तरायण, लेट अस सी. वो कैसे उत्तरायण मनाते हैं वो हम देखते हैं. दे वॉक अप अर्ली, देयर एल्डर ब्रदर्स टाइड द काइट ब्रीडर किन्ना एंड केप देम रेडी ऑन द प्रीवियस डे. क्या करते हैं वो जल्दी उठ जाते हैं और उनके जो एल्डर ब्रदर्स है वो जो काइट है उसको ब्रिडल किन्ना किन्ना बांधते हैं, है ना. आप लोग बांधते हो ना पतंग को, किन्ना बांधना पड़ता है ना. वो अगले दिन वो लोग किन्ना बांधते हैं. पिंकीज ग्रैंडमदर हैड मेड तिल लड्डू एंड ग्राउंडनट्स चिक्की. और पिंकी की जो ग्रैंडमदर है वो तिल के लड्डू बनाती है एंड ग्राउंडनट चिक्की वो सिंगदाना की चिक्की
बनाते हैं। सेजल हैड ब्रॉट लड्डू और पफ राइस फ्रॉम द हाउस। और सेजल पफ राइस, पफ राइस मतलब जो ममरा होता है ना, उसके जो लड्डू है वो उसके घर पे लेके आती है। किसके घर पे? पिंकी के घर पे। तनवीर हैज बॉट बोर फ्रॉम हिज गार्डन। और तनवीर जो है वो अपने गार्डन में से बोर, उस दिन वो बोर खाने का बहुत ही महिमा होता है, इसीलिए वो बोर लेके आता है। आयुष मदर ऑल्सो गिव फ्रेश बोर। और आयुष की मदर ने भी उसको फ्रेश फ्रेश बोर खाने के लिए दिया है। पिंकीज मदर इज प्रिपेयरिंग उंधियू। और उस दिन सब लोग उंधियू खाते हैं, तो पिंकी की जो मम्मी है वो उंधियू बना रही थी। डू यू नो विच द इंग्रेडिएंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर उंधियू? आपको पता है उंधियू बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? क्लस्टर बीन्स, क्लस्टर बीन्स चाहिए, रनर मतलब वानोर चाहिए, फिर द ब्रिंजल, ब्रिंजल चाहिए, पोटेटो एंड टोमेटो टू, स्पाइसेस लाइक कैप्सिकम, कोरिएंडर एंड जिंजर आर ऑल्सो रिक्वायर्ड, वानोर चाहिए, फिर क्लस्टर चाहिए, ब्रिंजल, पोटेटो, टोमेटो और स्पाइसेस के लिए क्या चाहिए? कैप्सिकम, कोरिएंडर, जिंजर, ये सारी चीज़ उंधिया के अंदर चाहिए। विदाउट स्वीट पोटेटो, एलिफेंट फ्रूट एंड याम, देर इज नो टेस्ट इन उंधिया। उंधिया के अंदर जो स्पेशल चीज़ डालना पड़ता है वो स्वीट पोटेटो है। स्वीट पोटेटो मतलब शकरकंद जो बोलते हैं ना, वो एलिफेंट फूड मतलब सूरन जो बोलते हैं, देन याम मतलब रतालू, वन टाइप ऑफ द अंडरग्राउंड प्लांट, अंडरग्राउंड वेजिटेबल है, उसके बिना बिल्कुल भी टेस्ट आता नहीं है। मदर एडेड वड़ा ऑफ फेन्यूग्रीक लीव्स। और उसके अंदर फेन्यूग्रीक लीव्स जो मेथी होता है उसके छोटे छोटे वड़ा टाइप का बना के उंधिया के अंदर डालते हैं। इकबाल वॉज सरप्राइज टू सी ऑल दिस। और इकबाल जो है वो मुस्लिम है, तो ये सब देख के वो सरप्राइज हो गया। ग्रैंड मदर वॉज मेकिंग हॉट जलेबी। उंधिया के साथ क्या खाते हैं? जलेबी। तो ग्रैंड मदर, पिंकी की ग्रैंड मदर जो है वो जलेबी बना रही थी। ऑल हैव स्टार्टेड ईटिंग। और सब ने खाना शुरू कर दिया। नाउ एवरीवन वेंट टू टेरेस टू फ्लाई काइट्स। सम फ्लाई काइट्स एंड सम हेल्ड फिरकी इन हिज हैंड। सब ये सब खाने के बाद ऊपर टेरेस पे जाते हैं और सब फ्लाई करते हैं और कोई फिरकी पकड़ रहा है। एवरीवन चीयर, ए काई पोछे ए गयो, राइट। सब चिल्ला रहे थे, ऐसा हम कहते हैं ए काई पोछे है ना, बोलते ना सर। एंड सिंग अ सॉन्ग थ्रू आउट द डे ऑल वेरिंग सनलाइट दे एंजॉय द पार्ट। और सब एंजॉय कर रहे थे काइट फेस्टिवल। और सब जब तक सनराइज से सनसेट तक सब लोग टेरेस पे ही रहते हैं। तो ये जो है वो काइट फ्लाइंग फेस्टिवल का सेलिब्रेशन है। नाउ मिड डे मील। डू यू नो चिल्ड्रन व्हाट इज द मिड डे मील? मिड डे मील मीन्स द वन टाइप ऑफ द प्रोग्राम गिवन बाय द गवर्नमेंट और रनिंग बाय द गवर्नमेंट इन द गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल में ये मिड डे मील प्रोग्राम चलता है। तो हम देखते हैं उसमें क्या होता है। इट इज 1:30 इन आफ्टरनून, द अरोमा ऑफ फूड बीइंग कुक्ड हैज फिल्ड एयर। 1:30 का टाइम है और सबको खाने की खुशबू आ रही है। अवर स्टमक इज क्रेविंग फॉर फूड। और सबके स्टमक के अंदर बहुत ही भूख लग गई थी, हंगरी हो गए थे। वी आर सो हंगरी दैट वी आर नॉट एबल टू पे अटेंशन टू द लेसन। और सबको भूख लग रही थी इसलिए वो पढ़ाई के ऊपर अटेंशन नहीं दे पा रहे थे। टन 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 द बेल रैंग। और इतने में बेल बजा। ऑल द चिल्ड्रन रैन आउट टू वॉश देयर हैंड्स। एंड सब लोग हैंड वॉश करने के लिए दौड़े। आफ्टर वॉशिंग अवर हैंड्स वी ऑल सेट इन क्यू टू टेक अवर फूड। और सारे स्टूडेंट्स जो है वो हैंड वॉश करके लाइन में बैठ गए। वी गॉट प्लेट फ्रॉम द स्कूल। और वहाँ हमको स्कूल से ही प्लेट मिलती है। बिफोर वी स्टार्टेड टू ईट वी सेंग टूगेदर। और जैसे ही खाना सबको परोस दिया जाता है और कोई खाना स्टार्ट नहीं करता उसके पहले हम प्रेयर करते हैं। वी प्ले टूगेदर, वी ईट टूगेदर फॉर द फूड ऑफ द एवरीवन। हम सब एक साथ में खाना खाते हैं, एक साथ में प्रे करते हैं।
और एक साथ में पढ़ते हैं। वी विल ऑलवेज बी टूगेदर, और हम एक साथ में ही रहते हैं सारे स्टूडेंट्स। टुडे देयर इज अ चना चाट, क्या था खाने में, चना चाट थेपला एंड सूखी भाजी इन आवर मील, ये मिड डे मील में स्कूल में दिया गया था। यस्टरडे वी हैव सुखड़ी एंड वेजिटेबल खिचड़ी, और यस्टरडे क्या था, सुखड़ी था और वेजिटेबल खिचड़ी थी। आउटसाइड द किचन ऑफ द स्कूल मेन्यू इज डिस्प्ले, और स्कूल का जो किचन है उसके बाहर एवरीडे मेन्यू लगाया जाता है। इट टेल्स व्हाट विल गेट ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक, और उसमें सारे वीक का कौन से दिन क्या क्या चीज खाने के लिए देने वाले हैं वो मेन्यू लगाया होता है। इट इज वंडरफुल व्हेन वी गेट स्वीट ऑन एक्स्ट्रा ट्रीट, और किसी किसी दिन हमको एक्स्ट्रा ट्रीट में स्वीट मिलती है। देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट द लंच टाइम एट स्कूल, और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, हमारा जो लंच है वो हम स्कूल में करते हैं। एवरी डे वी चेंज अवर प्लेस इन द सर्कल एंड सीट नेक्स्ट टू द डिफरेंट चाइल्ड, और हम एक साथ में सर्कल बना के बैठते हैं और कभी कभी हम अपनी प्लेस भी चेंज करते हैं। आई रियली लाइक दिस बिकॉज आई कैन मीट अ न्यू चिल्ड्रन एंड मेक न्यू फ्रेंड्स, और मुझे हर रोज नए नए स्टूडेंट से मिलना होता है क्योंकि हम प्लेस चेंज कर दें तो हम हर एक डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करते हैं। Our teachers take care that all children will get fresh and hot meal. और टीचर्स जो है वो सारे स्टूडेंट्स को hot and fresh meal मिले उसका ध्यान रखते हैं। Parents also offer special meal for help. और कभी कभी parents भी उसके अंदर help करते हैं कि special meal उनको दिया जाए, right? अब हम देखते हैं Now days there are better we eat fresh hot and properly cooked food together, और हम एक साथ में बैठ के fresh गरम और properly cooked food हमको मिलता है। we take care that all the students finish the food and they do not waste it, और केयर क्या रखनी है कि जब खाना खत्म हो जाता है तो हर एक की प्लेट बिल्कुल एम्प्टी हो जानी चाहिए, कोई थाली में से कोई भी कुछ भी छोड़ेगा नहीं। ईटिंग टूगेदर इज फन, और सब एक साथ में खाना बहुत ही अच्छा लगता है। समटाइम्स इफ समवन कम्स विदाउट ईटिंग फ्रॉम होम सी कैन ईट हियर, और कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी होने के कारण सुबह सुबह खाना नहीं कोई खा के आता तो यहाँ पे स्कूल में खाना मिल जाता है। डू यू लाइक टू स्टडी विथ योर एम्प्टी स्टमक, क्या आपको खाली पेट पढ़ना पसंद आएगा? नो, बिल्कुल नहीं, है ना। अभी अगर हम हंग्री हो गए हैं तो टीचर क्या पढ़ा रहा है कुछ समझ में आता नहीं है। तो ये हमारा लेसन था ईटिंग टुगेदर विद द फन। ओके, नाउ वी सी द चूज द करेक्ट वर्ड। व्हाट डिड द चिल्ड्रन डिसाइड टू डू द रनिंग टू स्कूल आफ्टर द वेकेशन, व्हाट द चिल्ड्रन डिसाइड टू डू a party, they have to decide to do the party, right? Sab party karna chahte the. What is the festival Uttarayan about? What is the festival of the Uttarayan about? Kite, about flying kites. Now which festival is celebrated as the festival of color? Then Holi and Dhulehi. Which of the following is a festival of love between brother and sister? It is the festival between love brother and sister. It is the Raksha Bandhan. Then, which of the following festival is celebrated on a special day according to the Gujarati calendar? According to the Gujarati calendar, which is the special day? It is the Diwali. Diwali is the special festival according to the Gujarati calendar. Right?
Now sixth number, which of the following is celebrated, festival is celebrated on a special day according to the English calendar? According to the English calendar, which one is the special day? Christmas. According to the Gujarati calendar, it is the special festival is the Diwali, and according to the English calendar, special day is the special festival is the Christmas. Right? Which of the following vegetable is not used in the Udyam? Then it is the bitter gourd. Bitter gourd is not used in the Udyam. Karela jo hai, wo Udyam ke andar use nahi hota hai. Right? So these are our, choose the correct word. Now we see the fill in the blanks. Undiv and jalebi are eaten in to celebrate blanks festival. Undiv and jalebi kab khate hai, kaun sa festival mein? It is the Uttarayan. Right? Now the festival of crackers is, it is the Diwali. 15th August is celebrated as a blanks festival. It's a national festival. 15 August and 26 January is the national festival. Apart from studying, qualities and skills are developed in school by doing various activities. Study ke saath school ke andar different type ki jo alag alag एक्टिविटी होती है, उससे उसकी स्किल बढ़ती है। The food given to the children in school in the afternoon known as the, जो आफ्टरनून में बच्चों को स्टूडेंट्स को जो मील मिलता है वो मिड डे मील है। 6th number, Christmas is a festival of, it is the festival of, it is the festival of Christian. Now 7th number, popcorn, puff rice and date are eaten during the blanks festival. Popcorn, puff rice and dates are eaten in the Holi. Republic Day is celebrated on 26 January. Now we see the tick right or wrong. Midday meal are served in all government school at 11 a.m. No, all the government school it is not running the midday meal program. Right? Independence Day is our national festival. Yes, Independence Day is our national festival. So this statement is the right. People eat faluda jalebi on Dasera. Sorry, fafda jalebi on Dasera. Yes, people eat the fafda and jalebi on Dasera. We celebrate Janmashtami in order to enjoy various sweet meat. No, Janmashtami we have to celebrate because of the birthday of the Lord Krishna, not for the sweetmeats, right? Raksha Bandhan is also known as the Rakhi or Balev. Yes, the two names of the Raksha Bandhan, it is the Rakhi and it is the Balev. The festival of Bhai Dooj is celebrated by the get together of the people of the community. No, it is the only the festival of the brother and sister. It is not the community whole together festival. A student is molded into an ideal citizen in the school. Yes, we have to mold the students. It is the identity citizen, ideal citizen of our country. Now we have not space, so we have to discuss from the workbook. Now make the following: Uttarayan, Dasera, Holi, Dhuleti and Diwali. So Uttarayan we match with the kite, Udyu and Chikki. Dasera we have to write the fafda and jalebi. Holi Dhuleti is it the water gum and colors festival.
and Diwali is the lamp lighting and sweet festival. Now students, with the help of the calendar or a diary, make a list out of the festival and celebration that will happening during the day. You have to which festival you have to celebrate during the whole the year. So you have to make a list of the that particular festival. According to the English and Gujarati month, following festivals are celebrated: New Year, Bhai Dooj, Christmas, Uttarayan, Republic Day, Shivratri, Holi Dhuleti and Rath Yatra. Now here, name the festival which are celebrated by all the people together. It is the ऐसे कौन सा festival है जो हम एक साथ में मनाते हैं? दिवाली, New Year, Uttarayan, Holi Dhuleti, जन्माष्टमी, दशहरा, नवरात्रि etc. we have to celebrate together. Okay students, here classify is there. We have to classify the festival according to the dates. जो जो फेस्टिवल है जिसको हम डेट के थ्रू मनाते हैं, मतलब डेट के दिन मनाते हैं, जैसे कि उत्तरायण तो 14 डेट को आती है तो हम डेट से मनाते हैं. क्रिसमस तो 25 दिसंबर को आती है तो हम डेट से मनाते हैं. तो वैसे फेस्टिवल जो है वो डेज के ऊपर आते हैं, जैसे कि वसंत पंचमी है, भाई बीज है, राइट, हैप्पी न्यू ईयर है, तो ये सारे, दिवाली है, होली धुलेटी, हम डेट के डे के ऊपर मनाते हैं, नॉट डेट, डे स्पेशल उसके लिए एक डे सिलेक्ट किया हुआ है उस डे पे मनाते हैं. तो ये हमको क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू डेट एंड डे. तो हम उत्तरायण जो है इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, क्रिश्चियन न्यू ईयर, क्रिश्चियन न्यू ईयर स्पेशल 31 दिसंबर होता है, फिर गांधी जयंती, चिल्ड्रंस डे, क्रिसमस, वो हम स्पेशली डेट में मनाते हैं कि वो उसके लिए डेट फिक्स होती है. लेकिन जो डे है वो डे के ऊपर हम कौन से दिन को मनाते हैं, तो हिंदू न्यू ईयर, हमारा जो न्यू ईयर है, हमारी आसो महीने में दिवाली आती है और उसके बाद कार्तिक महीने में हमारा न्यू ईयर शुरू हो जाता है, राइट. तो ये हमारा न्यू ईयर हम डे के हिसाब से मनाते हैं, भाई बीज भी डे के हिसाब से मनाते हैं, देव दिवाली भी डे के हिसाब से मनाते हैं, होली धुलेटी भी हम डे और तिथि के हिसाब से मनाते हैं, रक्षाबंधन हम तिथि के हिसाब से, डे के हिसाब से मनाते हैं, जन्माष्टमी भी हम डे के हिसाब से मनाते हैं, दिवाली, रामनवमी, गणेश चतुर्थी, ये सारे फेस्टिवल्स जो है वो हम डे के हिसाब से मनाते हैं. वो कौन से भी डेट को आ सकते हैं लेकिन डे उसका जो तिथि है वो फिक्स रहता है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द लेसन. ओके, बाय बाय.